दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया था कि ईडी ने एलविस यादव को समन भेजा है। 23 जुलाई को उनको वहां पे पहुंचना है, उनसे सवाल जवाब किया जाएगा केस के रिकॉर्डिंग। जो केस उनके ऊपर दो बड़ा केस चल रहा है, स्नैक वेनम केस एंड मनी लॉन्ड्रिंग केस, दोनों के बारे में आपको पता ही होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे मनोहर फारकी ने टॉन्ट मारते हुए यहाँ पे ट्विटर पे पोस्ट किया और ट्विटर में लिखा है, कटारिया के दोस्तों के नसीब में छक्की पीसना ही लिखा है क्या। वहीं पे एलविस यादव ने तो रिप्लाई नहीं किया, बट एलविस यादव के एक फैन पेज है, उन्होंने रिप्लाई किया कि एज लाइक सदाकत के दोस्त को भी जेल में चक्की पीसना लिखा है। एंड दोस्तों, यहाँ पे मुनव्वर फारूकी ने इंस्टाग्राम में स्टोरी पोस्ट करके लिखा है, पहले वो स्टोरी देख लीजिए क्या कहा उन्होंने। दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने दोस्त को बोला कि ब्रो शर्त लगा ले, इस बार का ना बिग बॉस का टारिया ही जीतेगा। तो मेरे को बोलता है कौन सी बैटिंग है शर्त लगाने का, मत करो यार। उसके बाद ट्विटर में उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पर उन्होंने बताया कि यार ह्यूमर समझो क्या कहा, आप देख लीजिए। यार ह्यूमर अप्रिशिएट करो ना, क्या कर रहे हो तुम लोग। अब जैसा कि आप लोग पता चल ही गया कि YouTube इंडस्ट्री में एक नया लफड़ा जन्म लेने वाला है। नया नहीं है, तो पुराना चलता हुआ आ रहा है, बट मुझे लगा था बीच में मुनव्वर और एलविस के बीच में पैचअप हो गया हुआ है। भले ही सोशल मीडिया पे कुछ भी हो, लेकिन इंटरनली पैचअप हो गया क्योंकि जगह जगह वो लोग मिलते रहते थे। अब आप लोगों को क्या लगता है, ये लफड़ा कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।